हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने फरवरी के करंट अफेयर्स कवर किए थे, वो पार्ट वन था। तो आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूं फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत ही वास्ट होता है, तो मैंने कोशिश की है कि उन्हीं करंट अफेयर्स को कंपाइल करूँ मैं और आपके साथ शेयर करूँ जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि युद्ध अभ्यास एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, वो इंडिया और किस देश के बीच में हुई है। तो दोस्तों, इसका आंसर है यूएसए, दैट इज ऑप्शन सी। और यूएसए के बारे में एक और फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि यूएसए के अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं जो बिडेन, ही इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हराया है। और ये युद्ध अभ्यास जो है जो हुई है इंडिया और यूएसए के बीच में, 16th एडिशन था। इससे पहले 15 बार हो चुकी है और ये फरवरी मंथ में हुई है इन राजस्थान और राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में हुई है ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मजूली इज अ रिवर राइन आइलैंड लोकेटेड इन विच स्टेट। रिवर राइन आइलैंड दोस्तों वो पोर्शन होता है लैंड का जो कि चारों तरफ से रिवर से घिरा हुआ होता है, और मजूली एक बहुत ही फेमस रिवर राइन आइलैंड है हमारे देश का जो कि लोकेटेड है असम में। और असम में जैसे कि आप जानती हैं फिलहाल हाल ही में चुनाव खत्म हुए हैं जिनका नतीजा 2 मई को आना है, और अभी वहां पे जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल वो हैं सोनोवाल जी जो कि बीजेपी से आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो इंडिया की रैंकिंग है डेमोक्रेसी इंडेक्स में 52nd। हाउएवर पहले 2019 में इंडिया की रैंकिंग थी 51, पर ये स्लिप करके ये खराब होके 52nd पे आ गई है। और सबसे खराब रैंकिंग है दोस्तों नॉर्थ कोरिया की, वहां पे आप जानते हैं कि वहां पे कौन रूल करते हैं। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स सबसे खराब नॉर्थ कोरिया का माना गया है और सबसे बेस्ट नॉर्वे का माना गया है रैंक वन पे, और 52nd इंडिया की रैंकिंग है उसमें। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड बाय आरबीआई इन मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। तो आरबीआई ने बोला है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 10.5% रहने वाली है फॉर द ईयर 2021-22। और आरबीआई के गवर्नर कौन है दोस्तों, शक्तिकांत दास। तो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो उसका आंसर है शक्तिकांत दास। और जो फाइनेंशियल मॉनेटरी पॉलिसी में जो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई है बाय आरबीआई वो है 10.5%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हु बिकेम इंडिया यंगेस्ट फीमेल पायलट एट एन एज ऑफ 25। तो एज भी आपको याद होनी चाहिए, और कौन है वो यंगेस्ट फीमेल पायलट, उनका नाम है दोस्तों आयशा अजीज। और आयशा अजीज कश्मीर से बिलोंग करती हैं, शी इज अ नेटिव ऑफ कश्मीर and she is the youngest female pilot of our country at an age of 25. Next question is ki who has been appointed as the interim chief of central bureau of investigation, CBI ke interim chief kinko appoint kiya gaya hai, uska answer hai dosto option C, that is Praveen Singh. To ye bhi puch liya jata hai CBI ke interim chairperson kaun hai ya chief kaun hai, to aapko yaad hona chahiye naam, unka naam hai Praveen Singh ji. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट ई कैबिनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछा जाता है कि ई कैबिनेट पहली बार हमारे किस राज्य में इम्प्लीमेंट हुई है, तो उसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, दैट इज हिमाचल प्रदेश, और उसके मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी। तो आपको मुख्यमंत्री का भी नाम पता होना चाहिए, उसके साथ ही साथ ई कैबिनेट कहाँ लाई गई है सबसे पहली बार, वो है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है इसको। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज अनवील्ड $42.2 बिलियन प्लान टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट। दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट दोस्तों एस्टेब्लिश होने वाला है साउथ कोरिया में, और उसका जो टोटल कॉस्ट है वो है $42.2 बिलियन। अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी ग्लेशियर विच हैज वॉज रिसेंटली इन न्यूज। जैसे कि आपने सुना होगा कि नंदा देवी ग्लेशियर जो था उसके फटने से उत्तराखंड में अभी बाढ़ आ गई थी, और वो कहाँ पे आई थी, वो चमोली डिस्ट्रिक्ट था उत्तराखंड का जहाँ पे ये पूरी बाढ़ आई नंदा देवी ग्लेशियर के फटने से। तो ये कहाँ पे लोकेटेड था, उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी चेंज हुए हैं और अब जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनका नाम है तीरथ सिंह रावत। ये आपको पता होना चाहिए नए मुख्यमंत्री जो बने हैं उत्तराखंड के उनके बारे में, और नंदा देवी ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड था जिसकी वजह से बाढ़ आई उत्तराखंड में, वो चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में था। तो अगला क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट विल बी एस्टैब्लिश इन, कहाँ पे इस पहला जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं हमारे देश की गवर्नमेंट, वो है लद्दाख। लद्दाख हाल ही में यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी विदाउट अ स्टेट लेजिस्लेचर, आपको बताया था मैंने, और जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई है बट इट वुड हैव अ लेजिस्लेचर,
बट लद्दाख वुड नॉट हैव एनी लेजिस्लेचर। तो सबसे पहला हमारे देश का जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगने वाला है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है कि हु बिकेम फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर डबल सेंचुरी इन हिज 100 टेस्ट, मतलब अपने 100वें टेस्ट में किसने डबल सेंचुरी बनाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज जो रूट। जो रूट इंग्लैंड से आते हैं, इंग्लैंड के वन ऑफ द रिनाउंड बैट्समैन है, उन्होंने अपने 100 टेस्ट में डबल सेंचुरी बना के एक रिकॉर्ड कायम किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एज गुलाब नबी आजाद, जैसे कि आपने अभी वो स्पीच भी देखी होगी जो गुलाब नबी आजाद जी ने अपने फेयरवेल में दी है, तो उनके रिटायरमेंट के बाद अब राज्यसभा में कौन लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो फिलहाल लीडर ऑफ अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये वन ऑफ द सीनियर लीडर्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो इनके रिटायरमेंट के बाद, गुलाब नबी आजाद जी के रिटायरमेंट के बाद, इनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है राज्यसभा में। पर क्या लोकसभा में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो इसका आंसर होगा दोस्तों नो, लोकसभा में कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए जरूरी है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास 10% टोटल सीट्स होना चाहिए, पर किसी के भी पास ऐसा नहीं हुआ था लोकसभा के चुनाव में। तो फिलहाल लोकसभा में कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, पर राज्यसभा में फिलहाल जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सस्पेंडेड 500 अकाउंट्स फॉर पॉलिसी ब्रीच एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 500 अकाउंट्स ट्विटर से सस्पेंड किए गए थे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी, तो वो किसने किए हैं, वो किए थे ट्विटर ने। ट्विटर ने 500 अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया था आफ्टर अ रिक्वेस्ट वॉज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज कि वर्ल्ड एपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड एपिलेप्सी डे दोस्तों मनाया जाता है 8th of February को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, और किसने अकाउंट सस्पेंड किए थे वो क्वेश्चन 13 में हमने कवर किया है, वो था ट्विटर। तो दोस्तों ये एक और शॉर्ट वीडियो थी ऑन द करंट अफेयर्स पार्ट 2 ऑफ फेब्रुअरी। अगले पार्ट में मैं फेब्रुअरी के बाकी करंट अफेयर्स भी आपके साथ कवर करूंगा एमसीक्यूज फॉर्म में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।